नमस्कार, मैं हूँ योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर जहां दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस उपचुनावों पर जीत हासिल करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं अब कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए बसपा के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। जी हाँ, वही इस बार 151 नहीं बल्कि 458 निर्दलीय उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है उपचुनावों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, वहीं आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि निर्दलीय विधायक पहली बार बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देंगे। 2018 के उपचुनावों में भी 151 निर्दलीय उम्मीदवारों ने उपचुनाव में उतर कर 4 नतीजे बदले थे। वहीं आपको बता दें कि इस बार भी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर 458 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी जहां एक तरफ अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी एक उपचुनावों पर जीत हासिल करने के लिए, साथ ही 28 से 28 सीटों पर जीतने का दावा भी दोनों पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। वहीं परंतु अब पहले बसपा के आ जाने से जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय हो गया था, परंतु अब सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार जो है निर्दलीय उम्मीदवार जो है मैदान में उतर चुके हैं, जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है अब चुनावों को लेकर। वहीं आपको बता दें कि हालांकि दोनों ही पार्टीज की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवारों को रोकने की जो है कोशिश की जा चुकी थी। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इन निर्दलीय विधायकों को मैदान में उतरने से रोकने के लिए तैयार किया गया था। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि निर्दलीय विधायक जिन्होंने उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं उनको अपने पर्चे वापस लेने के लिए मनाया जाए। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस और बीजेपी के तैयारी का जो समीकरण है वो बिगाड़ दिया है। 2018 के उपचुनावों में भी 151 निर्दलीय उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे थे और उनके उतरने से 4 सीटों का जो नतीजे हैं वो चेंज हो गए थे, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस को एक बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी थी। वहीं अब 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनावों में देखना होगा कि 28 सीटों में से कितनी सीटों पर समीकरण जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो उतारते हैं। वहीं आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो इस बार 458 प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं जिन्होंने अपना पर्चा भर दिया है उपचुनावों के लिए। वहीं कांग्रेस और बीजेपी अब तक कोशिश कर रही है कि इनमें से जो कुछ निर्दलीय विधायक है, निर्दलीय प्रत्याशी है, वो अपना पर्चा उपचुनाव से पहले वापस ले ले, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो इस तैयारियों में भी लगे हैं। परंतु देखना यह होगा कि अब ये निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा को आने वाले उपचुनावों में कितनी तगड़ी चुनौती देते हैं। ये था हमारा मध्य प्रदेश की राजनीति से अब तक अपडेट, और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।